हेलो फ्रेंड्स इस वीडियो में हम बॉटनी एंड जोलॉजी सेक्शन को डिस्कस करेंगे जो आपके एच पी टैट का आज एग्जाम हुआ था मेडिकल वालों को उसका हम ये बॉटनी एंड जोलॉजी सेक्शन डिस्कस करेंगे आई होप आपका एग्जाम अच्छे से हुआ होगा अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब माई चैनल अगर आप मेरे चैनल पर नए हो और बेलाइकन प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलना सो so, स्टार्ट करते हैं सिक्सटी वन क्वेश्चन क्या है आपका मेरे पास जो तो ये सीरीज है वो बी सीरीज़ है आप अपने सीरीज़ के अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस थोड़े ऊपर नीचे होंगे उसके अकॉर्डिंग मैच कर लीजिए सिक्सटी वन क्वेश्चन है आपका हीमोग्लोबिन हैज़ मैक्सिमम एफिनिटी टू तो इसका आंसर होगा आपका डी कार्बन मोनोऑक्साइड ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द सेल्स कॉल पोडोसाइड्स अकरिन ये किस चीज में होते हैं आपके ये होते हैं डी इनर वॉल ऑफ योर वुमेन कैप्सूल के सिक्सटी थर्ड क्वेश्चन है आपका कि कलर ब्लाइंडनेस इज ड्यू टू डिफेक्ट इन इसमें आपका क्या आएगा सी कोन्स अब आपका सिक्सटी फोर्थ क्वेश्चन से बहुत बहुत पूछा गया आपका गोल्डन राइस इज आपका ए ट्रांसजेनिक राइस हैविंग जीन्स फॉर बीटा कैरेटीन इसका आंसर ये होगा नेक्स्ट है आपका सिक्सटी फिफ्थ क्वेश्चन इंसुलिन प्रोमोट्स इसमें आपका आंसर होगा बी ग्लाइकोजेनेसिस ह्यूमन किडनी इज योर मेटानेफ्रिक ठीक है थ का है दिस स्पॉन्ज इज अ कॉस्टली मैरिज गिफ्ट इन जापान एज इट इज कंसिडर्ड टू बी अ सिंबल ऑफ यूनियन डेथ टिल डेथ तो इसका आपका है बी यूक्यूलिप्टा नेक्स्ट है आपका सिक्सटी इन विच लाइट रेंज इज मोस्ट इफेक्टिव इन फोटोसिंथेसिस तो इसका आपका आंसर होगा रेड ठीक है बी होगा इसका आंसर नेक्स्ट है आपका सिक्सटी नाइन्थ डिजीज नोन एज योर डमडम डिजीज इज द फीवर ये किस चीज़ का आपका uh, फीवर है तो इसका आंसर होगा आपका ए काला अजार नेक्स्ट सेवेंटीन्थ क्वेश्चन है आपको क्या करना है इसको सेवनटीन्थ क्वेश्चन है जो इसमें आपको मैच करना है आपके विटामिन के नाम मैंने आपको इस पर पूरी वीडियो बना के दी थी आई होप आपने वो वीडियो देखी होगी और आपके लिए ये हेल्पफुल होगा तो आपका विटामिन ई e जो है उसको uh, विटामिन ई e जो है उसका क्या है आपका uh, टोकोफिरोल एंड विटामिन के का इज़ योर फाइलो क्यूनोन एंड विटामिन बी ट्वेल्व का इज यूज इज योर साइनो कोबालाबिन एंड विटामिन डी का इज योर कैल्सिफ्रोल तो इस हिसाब से इसका क्या है आपका डी ऑप्शन राइट है नेक्स्ट है आपका कोकोनट मिल्क कंटेंट्स इसमें आपका क्या होता है साइटोकाइनिन होता है ये क्वेश्चन भी रिपीटेड है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेवनटी सेवेंटी सेकेंड वाला ये है आपका नॉन डाइजेस्टिव इंजाइन दैट कन्वर्ट टिप्रोसिन इन टू ट्राइपिन इज इसका होगा आपका थर्ड सी ऑप्शन एन टू काइनीज देन योर सेवेंटी थर्ड क्वेश्चन है क्रेजांस एनाटमी इज यूजली एसोसिएटेड विद इसमें आपका आंसर होगा ए वाला सी फोर प्लांट्स के साथ देन विच सेवेंटी फोर्थ क्वेश्चन है आपका विच एंटीबॉडी डिवेलप इन केस ऑफ एलर्जीज तो इसमें आपका होगा ई जी ई मतलब बी ऑप्शन होगा आपका नेक्स्ट इज योर सेवेंटी फिफ्थ क्वेश्चन ट्राइसोमी ऑफ ट्वेंटी वन ट्वेंटी फर्स्ट जो आपका क्रोमोजोम कॉज करता है उससे आपका क्या होता है डाउन सिंड्रोम डी ऑप्शन देन आपका सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन है सेवेंटी सिक्स क्वेश्चन है विच लेयर डिवेलप्स फर्स्ट ट्यूरिंग एम्ब्य डेवलपमेंट इसका आंसर आपका क्या होगा इसका आंसर आपका होगा एंडोडर्म बी होगा आपका इसका आंसर नेक्स्ट इज योर सेवेंटी सेवन्थ क्वेश्चन मेटासियासिस इज एसोसिएटेड विद किससे होती है आपकी बी uh, इसमें आपका बी ऑप्शन होगा देन आपका सेवेंटी एट्थ क्वेश्चन है पॉलिमिज पी जो है आपका वो किस चीज में यूज होता है तो वो आपका होता है डी एन में इस बार जो आपको क्वेश्चन आए थे वो डायरेक्ट आपके एनसीआरटी बेस्ड क्वेश्चन थे ज्यादा से ज्यादा एंड आपका सेवेंटी नाइन्थ क्वेश्चन है फंक्शन ऑफ टेपटम इज इसमें आपका क्या फंक्शन होता है वो क्या करता है न्यूट्रिटिव वैल्यू देता है आपके न्यूट्रिशन देता है आपके प्लांट उसको ठीक है आपका एटियथ क्वेश्चन इज हार्ट ऑफ कॉकरेज कितने होते हैं ये मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है थर्टीन चैम्बर हो सकता है ये इसमें आपका ये है तो एटिएथ का आपका बी ऑप्शन है आपका एटी फर्स्ट क्वेश्चन है एंट्री ऑफ फूड इन टू योर लैरेंगस ठीक है जो है वो किस कौन प्रिवेंट करता है तो आपका बी एपिग्लॉटस करता है इस बार क्वेश्चन बहुत ईजी आए आपके बायोलॉजी एंड जोलॉजी के हाँ आपका जो आपका साइकोलॉजी पार्ट था वो थोड़ा टफ आया था बट ये वाला आपका बहुत ईजी आया एज कम्पेयर टू पिछले जो आए थे तो आपका एटी सेकेंड है स्टडी ऑफ पोलन ग्रीन इसमें क्या है आपका ये होता है बी वाला आंसर है इसका नाउ एटी थर्ड जो आपका क्वेश्चन है जो साइंटिस्ट है ये क्या है आपके Uh, किस चीज़ की टेक्निक है ये आपकी इससे आप क्या कर सकते हो आप सेक्स डिटरमाइन कर सकते हो या आप कोई भी हेरिटिटी डिजीज जो है एम्ब्रियो का वो uh, डिटरमाइन कर सकते हो नेक्स्ट है एटी फोर्थ क्वेश्चन दैट इज एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर इज वो क्या है आपका टेन परसेंट लॉ है आपका लास्ट टाइम इसका ये पूछा गया था कि कौन किसने ये इन्वेंट किया था और कहाँ से या ऐसा कुछ क्वेश्चन आए थे लास्ट टाइम इससे विच ऑफ द फॉलोइंग इज हैव वर्टिब्रेज है क्वेश्चन तो ये आपका है जॉलेस फिश जो हम इसको लाइक साइक्लोस्टोम में पढ़ते हैं इसमें हम इसको पढ़ते हैं नेक्स्ट इज एटी सेवंथ क्वेश्चन एटी सेटी सिक्स क्वेश्चन एटी सिक्स क्वेश्चन में आपका आंसर क्या होगा डी होगा आपको पता है कि एफ वन जनरेशन वाला पहले आप एफ वन जनरेशन निकालोगे फिर उसके बाद आप एफ टू जनरेशन निकालोगे तो आपका आंसर क्या आएगा सिक्सटीन uh, आएगा उसका आंसर नेक्स्ट इज हु डिस्कवर्ड आपका ये जो दैट ग्रीन प्लांट्स रिक्वायर लाइट सनलाइट फॉर देयर न्यूट्रिशन ये किसने किया था आपके स्टीफन हेल्स ने किया था जो आपके प्लांट फिजियोलॉजी के फादर भी बोले जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका एटी एथ डायनासोर वर प्रेजेंट ड्यूरिंग तो ये कब प्रेजेंट थे आपके इसका आंसर ए होगा मीज़ो एरिया आ, एरा में ये प्रेजेंट होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इज एटी नाइन्थ ऑर्गेनिज्म लिविंग इन सॉल्टी एरियाज़ आर कॉल्ड तो हम इसको क्या बोलेंगे जो ऑर्गेनिज्म सॉल्टी एरियाज़ में रहते हैं उनको बोलेंगे हम हेलो फाइल्स फाइट होगा यहाँ पे फाइल्स लिखा है तो हेलो फाइल्स ठीक है नेक्स्ट नाइनटीथ क्वेश्चन है आपका कि सेल सेल अप व्हेन केप्ट इन कप जब हम उनको हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो वो क्या हो जाता है स्वेल अप हो जाता है नेक्स्ट इज नाइंटी फर्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द इको सिस्टम ए बायोटिक सॉरी ए बायोटिक्स कॉम्पोनेंट ऑफ द इको सिस्टम कौन है इसका आपको पता है बाकी सारे लिविंग है लिविंग को क्या बोलते हैं बायोटिक कॉम्पोनेंट बाकी ही एक बचता है इसमें ह्यूमस ये बहुत ज्यादा ईजी था नॉन लिविंग जो है आपका आपका नेक्स्ट है नाइन्टी सेकेंड क्वेश्चन द नेट गेन ऑफ ए टी पी ड्यूरिंग लाइकोलिस तो इसमें आपका नेट गेन क्या है ए दो ATP आपको मिलते हैं नेक्स्ट आपका है बाय टिश्यू कॉल्ड आपको क्या बोलते हैं इसका ठीक है नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नाइनटी फोर्थ की इन एंजियोस्पर्म पर लेटरल राइजेस फ्रॉम कहाँ से होते हैं आपके लेटरल रूट्स आपकी पेरी साइकिल से फर्स्ट आंसर है इसका नेक्स्ट है आपका जो आपका लेग फिफ्थ क्वेश्चन है आपका लेग ह्यूमोग्लोबिन हेल्प्स इन तो इसमें आपका आंसर होगा क्या आपका सी पार्ट होगा प्रोटेक्टिंग नाइट्रोजिनस फ्रॉम आपका ओ टू ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका नाइनटी सिक्स विच ऑफ द फॉलोइंग विच इज नॉट ट्रू अबाउट द इंसेक्ट तो आपका फर्स्ट बॉडी हैज थ्री रीजन हेड थॉरक्स एंड ऑप्टॉमिन ये तो ठीक है आपका रेस्पिरेशन थ्रू मैग्निफिकेंट टिब्यूल ये गलत है आपका और uh, बाकी आपका नेक्स्ट ऑप्शन क्या था देअर हैव

ठीक है नेक्स्ट है आपका नाइनटी एथ क्वेश्चन क्या है मोलिकुलर सीजर्स विच कट डी एन ए इज योर कौन सी कौन करता है आपकी ये कट करता है ये आपका करता है डी ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट रिस्ट्रिक्शन एंटी न्यूक्लियस ठीक है अब आपका सीरोसिस ऑफ लिवर अकर ड्यू टू दी जो आपका बाय क्रॉनिक इनटेक ऑफ योर एल्कोहल एंटीकोडोन्स जो होते हैं आपके ये कौन से उसमें पाए, पाए जाते हैं आपके तो आपका हंड्रेड का आंसर क्या होगा आपका इसका आंसर होगा टीआरएन ए सी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट आपका क्या है जो रेप्टाइल्स ऑफ प्लांट किंगडम क्या होते हैं आपके बीस का ऑप्शन है नेक्स्ट आपका वन जीरो टू जो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शनल यूनिट ऑफ एन इकोसिस्टम तो आपका ये आपको पता है कि ये फर्स्ट वाला स्टैटिस्फिकेशन जो है वो आपका जो फंक्शनल यूनिट नहीं है इको का बाकी हु क्वाइंट द टर्म जेनेटिक्स ये किसने की थी आपकी सी इसमें आपसे फादर ऑफ जेनेटिक्स नहीं पूछा गया टर्म किसने कॉइन की थी तो आपका विलियम बेस्टन ने की थी डी ऑप्शन होगा इसमें देन वन जीरो फोर्थ का क्या है आपका क्वेश्चन क्वेश्चन है सन प्लांट्स आर जो आपके सन प्लांट्स होते हैं वो कौन होते हैं हेलो फाइट्स होते हैं जो सन लविंग प्लांट्स होते हैं नेक्स्ट द सेल विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इज तो कौन है आपका इसमें है आपका न्यूक्लियोलस ठीक है आपका वन जीरो सिक्स क्या है द स्टमुलेंट प्रेजेंट इन टी कॉफी एंड योर कोला ड्रिंक्स इसमें क्या है आपका डी कैफीन नेक्स्ट द ह्यूमन द फर्स्ट ह्यूमन हॉर्मोन प्रोड्यूस्ड बाई रिकम डीएनए टेक्नोलॉजी इज योर इंसुलिन बी है इसका ऑप्शन नेक्स्ट है आपका अ कपल हैज़ थ्री गर्ल्स the परसेंटेज ऑफ probability ऑफ फोर्थ चाइल्ड टू बी अ गर्ल इज़ सी इसमें आपके ये थ्री गर्ल्स होने से कोई भी probability चेंज नहीं होगी आपको पता है कभी भी बच्चा जब भी होता है तो उसकी probability क्या होती है फिफ्टी परसेंट होती है वेदर फिफ्टी परसेंट वो गर्ल हो सकता है या फिफ्टी परसेंट वो बॉय हो सकता है दैट डिपेंड्स ऑन दी एक्सर एक्स वाई एंड जो भी क्रोमोजोम आपके फादर से आता है तो इसमें इसमें ये चीज़ सिर्फ आपको कन्फ्यूज़ करने के लिए दी है आपका जो परसेंटेज है वो फिफ्टी परसेंट ही होगा ठीक है नेक्स्ट इज वन जीरो नाइन्थ जो आपका क्वेश्चन है वो है कॉपस कैलोसम जो है इस फॉर्म्ड बिटवीन कहाँ होती है ये आपकी फॉर्म्ड तो ये आपकी होती है फॉर्म सी ऑप्शन में सेरिब्रल हेमिसफेयर में ठीक है नेक्स्ट है आपका वन जीरो टेंथ सेल दैट डू नॉट रिस्पायर आर जो सेल रिस्पायर नहीं करते हैं वो कौन से होते हैं आपके रिथ्रोसाइट्स नेक्स्ट है एंटीबॉडीज आर प्रोड्यूस्ड बाय सी आपको पता है आपके रेथ्रोसाइड्स भी वो करते हैं तो इसमें आपका आंसर मैक्रोफेजेस भी करते हैं एंड एम्फोसाइड भी करते हैं ऑल ऑफ तीस होगा इसका आंसर तो आपका आंसर इसमें ऑल ऑफ तीस है नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वन जीरो सॉरी वन हंड्रेड ट्वेल्थ हिपैटिकल हिपैटिक पोर्टल वेन एक्सटेंड बिटवीन किस चीज के बीच में ये एक्सपेंड करती हैं तो इसका आपका आंसर होगा बी एलिमेंट्री केनाल सॉरी एलिमेंट्री केनाल एंड लेवर के बीच में नेक्स्ट है डी एन फ्रेगमेंट्स आर आपको पता है डी के फ्रेगमेंट्स क्या होते हैं नेगेटिवली चार्ज होते हैं नेक्स्ट आपका हंड्रेड एंड इसका इफ अ सेल न्यूक्लियस ऑफ एन एनजोस्पर्म कंटेन्स ट्वेंटी फोर क्रोमोजोम्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम्स प्रेजेंट इन अ पोलन ग्रेन एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो विल बी तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डी इसका आंसर क्या हो जाएगा? D हो जाएगा? जाएगा। नेक्स्ट आपका हंड्रेड एंड फिफ्टीट मदर सैरोगेट मदर क्या होती है रियल मदर टू डेवलप द एम्ब्रियो ठीक है तो सी इसका आंसर हो जाएगा और ये जो आपकी जो आपका ए ऑप्शन है अ वुमेन हु हैज़ नेवर गिवन अ बर्थ टू चाइल्ड ऐसा नहीं हो सकता सेरोग्रेसी के लिए हम क्या करते हैं एम्ब्रियोक uh, जो एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है इसलिए ही हम सेरोग्रेसी uh, करते हैं नेक्स्ट इज द वन हंड्रेड सिक्सटी वन आउट इसका ऑड वन आउट क्या है आपका स्वीट पोटैटो नेक्स्ट आपका सेवनटीन्थ है हंड्रेड एंड सेवनटीन है द मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इन एनिमल इज तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कौन सा होता है क्लाजिन होता है नेक्स्ट है आपका एट वन हंड्रेड एंड एटीन अ बाई फ्लावर फ्लार विच नेवर ओपन इन इट्स लाइफ स्पैन इज योर क्लिस्टोग्रामस फ्लास जो आपका फर्स्ट है क्लिस्टोग्रामस फार्म कभी भी नहीं खुलते हैं आपका हंड्रेड एंड नाइनटीन बहुत ईजी है पोक्योथर्मल क्या होते हैं आपके क्लोरबल ब्लडेड एनिमल्स होते हैं नेक्स्ट आपका लास्ट क्वेश्चन जो है आपका द नेम द बुक रिटन बाय रॉबर्ट हुक आपकी नाइन्थ क्लास में है शायद से ये क्वेश्चन आपका उसमें आपको दिया है माइक्रोग्राफिया साइड में बॉक्स में दिया हुआ है वहाँ पर ये तो ये थे आपके 60 क्वेश्चंस आपके जूलॉजी एंड बॉटनी के आई होप अगर मुझसे कोई गलती हुई होगी तो आप प्लीज मुझे करेक्ट कर सकते हो आप कमेंट बॉक्स में नीचे मेंशन uh, कर सकते हो कि कौन सा क्या गलत है दिस इज नॉट दी ऑफिशियल की बट आई होप मैंने ठीक ही किए होंगे ये क्वेश्चंस ऑल फॉर यू गाइज एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ लाइक माए वीडियो एंड शेयर कर लीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए यहाँ पर आपको यूज़फुल uh, इंफॉर्मेशन मिलती रहेगी एंड आपके लिए आपकी बायोलॉजी uh, के लिए भी आपकी वीडियोज़ अपलोड होती रहेगी डेली बेसिस पे अब से सो so, प्लीज़ लाइक इट थैंक यू